जनाब है सामने कुत्ते ना पुत्र भी बदा हुआ आ को कट्टा या जिसने बारे मशहूर है कि एक नवा कट्टा खुल गया। रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब, मूरी ने मकाम पर जनाजा पड़ी तो वापस जा रहे हो तो हजरत राशा कैसा सी है? माशाल्लाह ठीक सा रहा, थोड़ा खराब भी सा। मजा शजा आया या बहुत मजा आया रास्ते में? रास्ते ठीक हो गया। और जी अपना जाफरान साहब से ड्राइव करी रही हो मोटरसाइकिल ठीक हो? सर इतना ड्राइव बड़ी मुश्किल है। अच्छा ड्राइव नहीं आया था तकी सकने हो जनाब? मूड़ी दरबार को जनाब जनाजा पढ़िया या हम नुस्खा दिते तो दफीन विच मशहूर है चाचा। चलो वापसी ना जनाब ऐसा है। चाचू शकील साहब, चाचू शकील साहब मौजूद हैं। हाँ जी हजरत इतना जाना मूरी ग्राया जनाब शकील साहब असकी पिछे लाई जाना रास्ता पता नहीं कोई नहीं है जनाब पिछे पिछे बिस्मिल्लाह पढ़ी ओड़ी बाकी इन्होंने पिछे पिछे नीति कहती है कुथू कट सन कुर कट सन। अच्छा खूह भी है पल सर खूह मां ठीक हो शेष ठीक है वैसे ग्रां चंगा सुन आया है ना माशाल्लाह। पिछे जनाब साढ़े मौलवी यार अछने पे मौलवी साहब ठीक हो? बाकी सूरज भी काफी ढोर बनाई देखे नाला एक कड़ा ग्रां आ इन्होंने ना लोही ना को पुछने पा लेने ये हले मूरी है जनाब असा इस टाइम मूरी विचू ही जनाब जनाजा पढ़िया चाचू असलम रहना हमजा तुरली साहब साढ़े दोस्त ने उन्होंने वालद मोहतरम सन अल्लाह ताला उन्होंने बख्शिश और मगफरत फरमान है। ए जड़ी कोठी है ऐसा तू लिया कर क्यों निकले बिया जी हां ये राजी मंजर रानी कोठी है याने राजी मंजर रानी कोठी है जनाब ये अगर डेरा शेरा उसी गल बने है बड़े मुश्किल रास्ते पर जनाब चोरी लेकिन है बड़े मजेदार रास्ते ने क्या बने ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੋ ਤਰੇ ਵਜੇ ਅਜੇ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਅਸਾਂ ਕਿਣੀ ਆਏ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਡੇਰਾ ਆ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਚਾਚਾ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਊ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਊ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਆ ਅਸਾਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਅੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਹੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਮਕਸ਼ਾ ਕੀ ਨਾ ਰਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਾਫੀ खूबसूरत मक अपना व्यू बनानी है बाकी पार डेरा या उन डेरे पर जुली ना मौली साहब हाँ वाह जी वाह इन्हें बड़ा जबरदस्त दरवाजा शरवाजा भी लाया वा और बड़ा जबरदस्त जंगला फेरिया आपने बाकी मौली साहब मक शक काफी कहने सरसब्ज शादाब हुई थी माल मवेशी माल डंगर आखिया करो ना अपनी जबाना च। हाँ जी कितने हैं कोई अपना सफरान साहब कितने हैं कोई माल डंगर ही ना रखे दे? अच्छा तकने भी सन तुसें को पता उसी ना? अच्छा पहली बारी डेरा उन्हें इन्हें बनाया डेरा फतेह मोहम्मद बड़ा प्यारा डेरा इन्हें बनाया मौली साहब इधर महाराज माल मवेशी
डेरा डग्गा सा की सकनी हो जनाब भाई यार मंज गां चोने पे ये कोई ऑस्ट्रेलियन नस्ल नहीं गां ही है जड़ी हजरत है चोने पे न बाकी ये दूध पीनी पी है बच्ची नाल गतावा को कट्टा आ जिसने बारे मशहूर है कि एक नवा कट्टा खुली गया पर खुला तो नहीं लेकिन बदा वा इधर छप्पर छप्पर भी बाया हमने बकरा भी रखे हमने ऐसा तो बड़ा चढ़ी गया लेकिन उनका करो हम ऐसा चलो डेरे पर आई गए जनाब है सामने कुत्ते ना पुत्र भी बदा वा देखी सकने एक मंझ बदी भी बड़ी जबरदस्त खानदानी किस्म की मंझ है। अच्छा एक तो अपर बैठा वा टाई ने अपर कुत्ते ना पुत्र बाकी था एक टेंकी ना रखी हुई है बड़ा जबरदस्त ही ना कट्टी कुट्टी जमीन ते पहली बारी माड़ा खा हुआ मुझे पता भी कौन सा इन्हें जंगल बिच मंगल किता वा बाकी खट्टा चार पाइया भी ना खातर खा बिछाइया भी ना उसे जुली ना तो थोड़ा जहा पर नवी नजारा था कि साइड ने इस साइड ना भी बड़ा खूबसूरत पहुंचे हैं मुरी जनाजा पड़े और इस टाइम पहुंचे हैं शकीर साहब रहने डेरे पर और इन्हें जनाब जंगल बिच मंगल बनाई हो रहा मौली साहब बिल्कुल ऐसा ही है दंडियां कटियां हैं अगर जाफरान साहब सारे कैमरा मैन अगर दसी सकें जनाब इन्हें बड़े बड़े इतने दंडियां सी कट्टी तो जनाब अमवार की ने जमीन इस साइड दसा जनाब चौका चौका भी लाया नीचे सौ की मंझा ना देना दसा है बाकी सौ दसी सकते हैं कि बड़ा खूबसूरत इतने का व्यू खूबसूरत नजारे इतने ने आवाज उच्ची बाणी कहीं मैक नहीं लगा रहे बाकी मजा आया सो की मौसम भी बड़ा खुशगवार है क्योंकि हर तरफ बूटे बूटे एक चश्मा इतों निकलिया या क्या चीज है मोली साहब इतो पानी निकलना पे है बड़ी स्पीड मारी दे इसकी को थोड़ा जा खुने आ जाए तो कोई चश्मा ना दरियाफ्त हो जाए कोई पता नहीं साजे तो किस्मत है चलो जिस तरह खुदाई कर सन पता नहीं जैसे चलो ये भी ठीक है बाकी फुल्ला शल्ला ने फल्ला शल्ला ने बूटे भी ना आड़ू शाड़ू भी ये लाई ओड़े ने और नाल नाल शेयरकारी मुहिम भी शुरू हुई है शेयरकारी तो याद आया कि इस वक्त जनाब बूटियां ना मौसम है जी तो कोशिश करो अपने अपने इलाके बिच अपनी अपनी जगह पर ज्यादा से ज्यादा शेयरकारी की जाए ज्यादा से ज्यादा बूटे लाए जान बाकी अगर साढ़े कैमरा मैन दसी सकने जनाब बहने खलने वास्ते भी ना देसी माहौल चारपाइया शइया लाइया हुई जरा कैमरा मारी उठ सो अपना जाफरान साहब जबरदस्त अस्सलाम वालेकुम हाँ जी इश्किल साहब ठीक हो सेफ जी ठीक है माशाल्लाह जबरदस्त माहौल बनाया वा जी मोर साहब इधर रहना भी माहौल ठीक है बेहतरीन ये बेहतरीन क्या बने हो बाकी इस साइड अच्छा मछलियां वाला फिश फार्म इधर होना सी ठीक हो गया बाकी इधर नवी नजारा मैं क्या हूं थोड़ा जहा जरा मारी और पूरी डॉक्यूमेंटरी बनी जाए बड़ी कदीम किस्म की टाली है अच्छा ये ऊपर भी लाइट लाई माल माशरा खूब बनता है अच्छा ये कुत्ता पहना कौन ही एक पटियाली नस्ल है कुकड़ी भी फिरनी भी बाबा जी तकी सकने हो कि बड़े खूबसूरत व्यू खूबसूरत नज़ारे शाम ना टाइम और बड़ा ही जनाब खूबसूरत डेरा बाकी बकरियां भी अपना चुगी चगी दे जनाब अपने मंजिल मकसूद पर पहुंची हुई कल नस्ली किस्म की बकरियां लगनी अगली जड़ी है तुम की नज़र अच्छी फिर राजनपुरी अच्छा ये फिर काली बकरी है अगर गांव कितने बड़े नज़ारे ली जो अबर खलती है बाकी डेरा तो पहले उस तकी चुके हो लेकिन हूँ डेरे नहीं जेबो जीनत जड़ियाँ बकरियां हुई वो भी आई चुकी हुई
कुछ अपने छनिया पी आई जी माशाल्लाह तो सिकनी हो कि बकरियां मिक्स आपियां सारियां नस्लां नियां वैरायटियां जड़ियां वो मौजूद हैं। बाकी राजनपुरी राजनपुरी तक सकने हो कि ना दो आंदियां सी एक ते अगर पिछे होगी बाकी बकरियां वास्ते स्पेशल छप्पर नी सहूलत मौजूद है और बाहर भी जनाब जंगला लगा हुआ इन्हें मर्जी वे अंदर बेही जान बारिश हुआ है ना बारिश हुआ तो बाहर भी बेही सकनी है। माशाल्लाह जी बड़ा जबरदस्त माहौल बड़ा जबरदस्त मजा आया है तो इंशाल्लाह एक अन करीब कोशिश लगे हुए ज्यादा से ज्यादा डेरा अगर मुकम्मल हो रहा फिलहाल तो क्या इब्तदा या और इब्तदा भी जितना जनाब बड़ा खुशगवार खूबसूरत माहौल है और इंशाल्लाह एक नवे प्रोग्राम नवी वीडियो नवी डॉक्यूमेंट्री खिदमत दोबारा हाजिर हो सा। अल्लाह हाफिज़।